हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लोबिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये छोटे साइज़ की लोबिया है, रेड कलर की लोबिया। ये जो लोबिया है दो तरह के की मार्केट में मिलती है, एक छोटे साइज़ की रेड कलर की होती है और एक जो बड़े साइज़ की होती है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो ये लोबिया हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है और इसकी सब्ज़ी हमें वीक में एक बार ज़रूर खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये रेड कलर का जो लोबिया है इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लोबिया ले लिया है। तो एक कप लोबिया को आप दो तीन पानी से धो लीजिए और धो कर के इसे एक दो घंटे के लिए भिगो दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दो घंटे के लिए लोबिया को पानी में भिगो कर रख दिया था और अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और लोबिया का सारा पानी अलग कर दिया। अब लोबिया को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो जितना आपने लोबिया डाला है उसका तीन गुना पानी आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इसमें पानी आप अच्छे से डालिएगा क्योंकि ये बॉयल होने पर फूलता है। तो आप इसमें अच्छा सा पानी डालेंगे तभी ये अच्छे से बॉयल हो पाएगा। अगर आप इसमें कम पानी डालेंगे तो लोबिया अच्छे से बॉयल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही बॉयल हो जाएगा ये साइज़ में और भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी डालना है। तो लगभग दो या ढाई कप पानी आप इसके अंदर डाल करके और से चार या पाँच विसल आने तक बॉयल करिएगा। और जब तक ये लोबिया बॉयल होता है तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन ले लिया और उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालकर दो पिंच हींग और आधा चम्मच जीरा डाल दिया और दो बड़े साइज़ के प्याज को छोटे टुकड़ों में काट करके इसके अंदर डाल दिया। और अब ये जो प्याज है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना है। तो लगभग 5-7 मिनट तक आप इसे पकाइएगा। 5-7 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज होने लगेगा और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, दो बड़े साइज़ के टमाटर, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा और इसके साथ ही 4-5 लहसुन की कलियाँ, इन सब का एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 विसिल आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था और 5 मिनट के बाद यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया है। तो लोबिया बहुत अच्छे से कुक हो गई है और आप एक बार इसका दाना उंगलियों की मदद से दबा करके देख लीजिएगा। अगर ये अच्छे से क्रश हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका लोबिया बॉयल हो गया है। अगर ये हाथों की मदद से अच्छे से नहीं दबता है तो आप इसे एक दो विसिल और लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं फिंगर में लोबिया के कुछ दाने ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो अच्छे से ये प्रेस हो जा रहा है और ये बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमने जितना पानी डाला था पूरा ही एब्जॉर्ब हो गया है और यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डाल करके हम इसे प्याज में मिक्स कर लेंगे। तो प्याज जैसे ही गोल्डन हो जाएगा हमें इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करने हैं और 1 मिनट तक इसे भून लेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं उनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर के साथ आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ये जो पेस्ट बनकर तैयार हो गया है इसे हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे और अब इसके साथ हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे।
तो ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, जिससे कि जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि साइडों से ऑयल नज़र नहीं आ जाए। तो फ्रेंड्स लगभग 10 मिनट तक आप इसे पकाइएगा, और जब तक ये टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाता तब तक आप इसे पकाते रहेंगे। तो इस स्टेज पर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब तक टमाटर अच्छे से कुक नहीं होता हमारी सब्ज़ी अच्छे से नहीं बनती। और टमाटर को अच्छे से कुक होने के लिए लगभग 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। और इसके साथ ही जो प्याज हमने डाला था वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी पानी हमने डाला था पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, साइडों से हमें ऑयल नज़र आने लगा है। तो इस स्टेज पर हम ये जो ग्रेवी बनकर तैयार हुई है ये लोबिया के अंदर डाल देंगे। तो प्रेशर कुकर में से सारा लोबिया मैंने एक पैन में डाल दिया और उसी के साथ इस ग्रेवी को भी उसके अंदर डाल दिया। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद भी हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। तो यहाँ लगभग आधे से एक कप के करीब आप पानी इसके अंदर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर पानी डालिए, तो आधे से लेकर एक कप तक पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्स करके बॉईल होने देंगे। तो 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ये जो टमाटर की ग्रेवी हमने इसके अंदर डाली थी वो लोबिया के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी, और ये जो लोबिया हैं और भी थिक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो और भी थिक होती चली जाएगी जैसे जैसे हम इसे कुक करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे जो ग्रेवी है वो और भी थिक हो जाएगी। तो 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि सारा पानी भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं जिससे कि सब्ज़ी में और खुशबू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, और ये लोबिया बनकर रेडी है। आप इसे राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये लोबिया बहुत ही हेल्दी होता है और हमें वीक में एक बार इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, और ये प्रोटीन का भरपूर सोर्स है। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये रेडी हो जाए जब आप इसे सर्व करें तो इस पर आप थोड़ा सा बटर या घी डालकर सर्व करिएगा, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ट्राई करिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।